हेलो एंड वेलकम यू ऑल। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमने कल इंट्रोडक्शन करा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। कल हमने डिस्कस करा था सॉल्यूशन क्या होती है, इसका भी हमने डिस्कस करा था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, ये छोटे से वीडियो होगा, इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये आपके बुक में क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल लिखना है। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ साइड में। आपके पास मान लीजिए, लेट कर लीजिएगा, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है ना, मान लीजिए वो एक्स है एंड द कॉस्ट ऑफ पेन है, सपोज उसको मान लेता हूँ वाई। Why? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या हुई है सर, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो है ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन है, बस। तो हमने सिचुएशन लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा 2y को उधर शिफ्ट करो, तो x माइनस जैसे 1 मिनट, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो आपके पास जो इक्वेशन फाइनल आया वो आया एक्स माइनस 2 ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने आपका इक्वेशन, हमने लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया, सही है। ओके, यहाँ पे ए क्या है, ए होता है सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स 1 है, एंड बी होता है कोफिशिएंट ऑफ वाई जो कि -2 है, एंड सी आपका कांस्टेंट होता है कि जो 0 है। ठीक है, यहाँ पे पूछा नहीं गया है कि कोफिशिएंट लिखो, लेकिन हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये मेनली मुझे करना था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। आपके पास कितने केसेस दिए हैं, यहाँ पे आपके पास 6 से 8 केसेस दिए हैं, हर एक को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे पहला कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, जो राइट हैंड साइड में 3 9.35 बार है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x+3y माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा सर 2x+3y माइनस 9.35 का बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए है सर कॉफिशियन ऑफ x2, बी यहाँ पे है कॉफिशियन ऑफ y3, एंड सी आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म -9.35 का बार, बस इतना ही करना है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, आपके पास ये है। ठीक है, यहाँ पे इसका, इसको अगर आप लिखना चाहो बस, तो हो गया। अब आपके पास एक्स माइनस वाई अपॉन 5 - 10 इज इक्वल टू 0 है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना है, तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आप अगर साइन को थोड़ा चेंज करना चाहते हो, या सर डायरेक्टली हो गया वैसे, तो करना क्या है सर, एक्स का कोफिशिएंट है, ए का कोफिशिएंट 1 है, और बी का, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट है -1/5। ये देखिए -1/5 है, एंड सी आपका -10 है। ठीक है, समझ में आया, ग्रेट। अब आपको देखना एक चीज और है, जब आप मान लीजिए एग्जैक्ट इसकी फॉर्म में लिखना चाहोगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नहीं प्लस भी आना चाहिए, कोई नहीं, तो देखना एक्स तो है, अब मैं लिख सकता हूँ प्लस, इसको लिखेंगे -1/5 ऑफ वाई प्लस -10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होती है, माइनस प्लस माइनस, तो मैंने फाइनल ये लिख दिया। ठीक है, तो ए का कोफिशिएंट ए है हमारा 1, बी है हमारा -1/5, सी हमारा -10, सही है। आप नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे सर ये वाला एक्स इज इक्वल टू 3y है। अच्छा, तो ये सिंपल सा है, एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस वाई को इधर शिफ्ट करो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कौन एबसेंट है, सी, तो लिख दो, जो एबसेंट होता है ना उसको हमेशा 0 करा करें, एक्स -3y प्लस जी इक्वल टू 0, ए है एक्स का कॉफिशियन 1, बी हमारा है -3, एंड सी हमारा है 0, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास है, सपोज हमारे पास है, नेक्स्ट आपके पास आ गया ये वाला पांचवा, देखिएगा, तो सर यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -5 है, इधर शिफ्ट कर दो, 2x ये +5 हो जाएंगे, और कांस्टेंट 0 है इक्वल टू 0, तो आपका ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 5, और सी हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये वाला y -5, तो है जहां एब्सेंट क्या है, देखना ये इंटरेस्टिंग है, y -2 इक्वल टू 0 में एब्सेंट कौन है, x एब्सेंट है ना, तो जो एब्सेंट होता है उसको कोफिशिएंट हमें 0 करना होता है, सही है। तो यहाँ पे देखना, इस वाले इक्वेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, साइड में इधर लिख देता हूँ, y -2 इक्वल टू 0, कौन एब्सेंट है, एक्स एब्सेंट है, कोई बात नहीं, 0 × x कर दो प्लस y -2 इक्वल टू 0। अच्छा, तो a हमारा हो गया x का कोफिशिएंट 0, b हमारा हो गया y का कोफिशिएंट 1,
एंड सी हमारा -2 है, ठीक है, सी हमारा -2 है। तो हमने सारे ऐसे ही आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना, जैसे 5 = क्या है, 5 = हमारा 2x है, ठीक है। तो 5 = आपके पास जो 2x है, इसको मैं अगर घर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, 5 - 2x = 0। या मैं लिख सकता हूँ यहां से, देखिएगा, तो मैं लिखूंगा -2x पहले लिख दो, है ना, प्लस कौन एबसेंट है, वाई एबसेंट है, वाई को कॉफिशियंट 0 कर दो, प्लस आपके पास 5 = हुआ 0, सही है। अब ए का ए है एक्स का कॉफिशियंट -2, बी हमारा वाई का कॉफिशियंट 0, एंड सी हमारे पास क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, कुछ नहीं है, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया, कुछ करना नहीं है। इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है, कर सकते हैं, आई होप इसको भी करिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था आपके एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू।